गुड मॉर्निंग, माय नेम इज वंदना देवांगन। टुडे टॉपिक इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, क्या होता है मूल्यांकन, हम मूल्यांकन कब करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया होती है। योगात्मक मतलब टोटल करना। मतलब मूल्यांकन हम कब करते हैं, जब कक्षा कक्ष में क्या होती है, टीचर जब पढ़ाती है, टीचर क्या करती है, जब बच्चों को पढ़ाती है, कोई पाठ पढ़ाती है, तो पाठ की समाप्ति के बाद टीचर्स क्या करती है, उसका क्या है, मूल्यांकन करती है कि किस बच्चों ने कितना सीखा, किस बच्चों ने उस टॉपिक के बारे में कितना जाना। तो क्या लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। मतलब मूल्यांकन में हम क्या करते हैं कि पाठ की समाप्ति होने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञात करना कि बच्चा कितना उस टॉपिक के बारे में उसने सीखा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कैसे उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन हम उसके टेस्ट के द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट हो सकता है, ओरल टेस्ट हो सकता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट लेके हम बच्चों से क्या कर सके, उसको नंबर दे सके। मतलब उसको हम नंबर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। जैसे हमारे साल भर में होता है टेस्ट होता है, क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, इससे पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना उसके बारे में बच्चे ने जाना। ठीक है, मतलब मूल्यांकन का अर्थ होता है कि मूल्यों का अंकन करना। मूल्यांकन वह माध्यम है जिसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि वह छात्र क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं। मतलब जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद जब हम उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा। जब हम उसका टेस्ट लेते हैं तो हमको पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा, वो कितना और आगे सीख सकता है और किन बच्चों ने कितना नहीं सीखा। हम इसका क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। फिर मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब मूल्यांकन क्या है, अधिगम प्रक्रिया। जब हम क्लास में हम बच्चों को सिखाते हैं, अधिगम प्रक्रिया करते हैं, तो ये क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों, इससे ही शिक्षक क्या करता है, अपने अधिगम प्रक्रिया को क्या करता है, और प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से क्या होता है, बच्चा जब उस चीज को अच्छे से सीखता है तो टीचर्स क्या करता है कि उसके का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ठीक है, फिर मूल्यांकन क्या है, निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होती है, मूल्यांकन एक चलने वाली प्रक्रिया होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होता है मूल्यांकन, हम हर समय हर जगह पे मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन केवल स्टूडेंट का नहीं, मूल्यांकन क्या होता है, टीचर्स का भी मूल्यांकन होता है कि टीचर्स किस तरीके से बच्चों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब हम देखते हैं मूल्यांकन की आवश्यकता कैसे होती है, आवश्यकता क्यों होती है आवश्यकता। पहला है कि अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना। मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया कि मूल्यांकन केवल स्टूडेंट का नहीं होता, मूल्यांकन क्या होता है, टीचर्स का भी होता है कि शिक्षक की कार्यकुशलता एवं उसकी सफलता का मूल्यांकन करना कि टीचर्स जो है अपने क्लास में कैसे पढ़ा रहे, इसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। बच्चों से टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद जो नंबर आता है उससे पता चल जाता है कि टीचर का पढ़ाना कैसा है। जैसे क्लास में टीचर्स पढ़ा रही हैं, टीचर्स में जिन बच्चों को समझने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, इसका मतलब टीचर्स अच्छे से पढ़ा रही है ना, टीचर अच्छे से पढ़ा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना। मूल्यांकन के द्वारा क्या किया जा सकता है कि बालकों में जो व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसका भी हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है, उसको हम पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, तो बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाते हैं, वो आगे बढ़ता जाता है। मतलब उसके पढ़ाई के तरीके में उसके व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन होने लगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि मूल्यांकन के द्वारा ही हमको पता चलेगा। फिर बालकों की अधिगम कठिनाइयों का क्या करना, पता लगाना। क्या होता है कि मूल्यांकन के द्वारा ही बालकों में जो उसकी अधिगम है, जो उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो कठिनाई आ रही उसका भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसे हम बच्चों को पढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, उसमें उसके कम नंबर आते हैं, तो हम बच्चों से पूछते हैं कि उसका कम नंबर क्यों आए, तो बच्चा अपनी परेशानी को बताता है, तो उससे क्या करते हैं, हम उसकी प्रॉब्लम को सुनकर बच्चों की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फिर निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। मतलब मूल्यांकन क्या करता है, बच्चों की समस्याओं का निदान करता है और निदान करके उसका उपचार करने का प्रयास करता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम किस कारण से हो रही है, और जब वो प्रॉब्लम का कारण पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका उपचार करने का प्रयास करते हैं। फिर क्या है,
कि बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति है तो जानकारी प्रदान करना, मतलब मूल्यांकन के द्वारा बालक की व्यक्तिगत समस्याएं जो हो रही है या फिर सामाजिक कोई आवश्यकता हो रही है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया का कार्य करते हैं। फिर बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, मूल्यांकन के द्वारा क्या करते हैं हम बच्चों का, जब हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं तो हम बच्चों को क्या करते हैं सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं विकास, मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो क्या होता है जब वो पढ़ाने से उसको समझ आ जाता है कि टीचर्स ने कितना अपना शिक्षण कार्य किया है, तो क्या है जब टीचर्स खुद अपने क्या करते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाता है और उसमें क्या है विकास का कार्य करता है। थैंक यू।